अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हूँ और ये घर मेरे भाई का ही है। वो नीचे का घर था और ये ऊपर का घर है। तो जो भी किराएदार आ रहा था उसको यही मुश्किल पेश आ रही थी कि वो अपनी बाइक वगैरह ऊपर कैसे लेके जाएगा, और फिर अगर बाइक नीचे खड़ी करते तो फिर घर में आते वो जेंट्स। इसीलिए मैंने अपने भाई से कहा क्यों ना मैं ऊपर रह लूँ, तो उसने कहा ठीक है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा है ऊपर का घर, नीचे से भी अच्छा लग रहा है मुझे तो ये ऊपर का घर। और मेरा हमेशा से ख्वाब था अच्छे घर का। अल्लाह ताला ने मुझे घर तो दिया लेकिन वहाँ का माहौल बड़ा ख़राब है, और वो बहुत छोटा सा भी है घर। छोटे से की तो कोई बात नहीं, उसकी आदत हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था अपना घर, लेकिन बस माहौल की बात थी। तो इसके लिए मैं अपने भाई के एहसान मंद हूँ। तो ये देखिए, दिलशाद जी चाय बना रहे हैं, चाय उन्हें बार बार चाहिए तो वो मुझे परेशान नहीं करते कभी भी, अपने आप बना के पी लेते हैं और मुझे भी दे देते हैं। तो ये किचन है, देखिए इसका हमने स्टोर बना लिया है किचन का। अभी ठंड आ गई है तो ये मैंने किचन का काम कमरे में कर लिया है, खाना वाना बनाने का कमरे में। माशाल्लाह से दो रूम हैं, और ये साइकिल है, इसके पापा ऊपर ही ले आते हैं साइकिल। तो ये यहाँ पर हमने पर्दा लगा लिया है, इसके पापा ने यहाँ पे पर्दा लगा दिया है, बेपर्दगी ना हो, क्योंकि माशाल्लाह सबके ऊंचे ऊंचे घर हैं तो ये दिखाई देता है, यहाँ अंदर कमरे तक का सामना होता था तो उन्होंने ये पर्दा लगा दिया, अब यहाँ पे किसी का नहीं सामना होता। तो ऊपर का माशाल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा घर है। अम्मी ने मेरे पौधे लगाए हुए थे और ये सब ख़राब हो गए थे, अब मैं ऊपर आ गई हूँ तो अब मैं इनका ध्यान रखूँगी और सही से लगवाए हैं। ये देखिए, यहाँ बालकनी है, बाहर का हिस्सा दिखता है यहाँ से, तो बड़ा अच्छा घर है माशाल्लाह से। तो और ये देखिए, ये नीचे का, पहले जहाँ मैं खाना बनाती थी ये वो जगह है, ये नीचे किराएदार आ गए हैं। तो अल्लाह खुश रखे मेरे भाई।